कांग्रेस के कद्दावर नेता रामेश्वर लाल डूडी के अपनों के लिए, उनके समर्थकों के लिए आज हमारे पास एक बहुत बड़ा अपडेट है। पिछले महीने की 27 तारीख को ये खबर सामने आई थी कि उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ है। महीने भर से डूडी का इलाज जारी है, अब तक डूडी को होश नहीं आया था। महीने भर से डॉक्टर उनके होश में आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज एक ऐसी खबर सामने आ रही है कि रामेश्वर लाल डूडी को होश आ गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मिली जानकारी के अनुसार डूडी को होश आ गया है। उनके करीबी हरिमान बाना से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि डूडी को होश आ गया है और उनकी आंखों में भी हरकत है। अब तक कांग्रेस के कद्दावर नेता के स्वास्थ्य को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन ये जो खबर सामने आ रही है, इससे हो सकता है कि डूडी के समर्थकों को राहत तो जरूर मिले। रामेश्वर लाल डूडी को 27 अगस्त के दिन पहले जयपुर के मंगलम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी सर्जरी की गई थी। बाद में उन्हें SMS हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। डूडी का इलाज शुरुआती कुछ दिन SMS हॉस्पिटल में ही किया गया, लेकिन बाद में और भी बेहतर इलाज के लिए उन्हें गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में एयर एम्बुलेंस के जरिए लाया गया। अभी तक भी उनका इलाज इसी हॉस्पिटल में जारी है। डॉक्टर्स उनके होश में आने का इंतजार बीते महीने से कर रहे थे, यहां तक कि प्रदेश भर में डूडी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं। राजस्थान के शहरों से लेकर गांव धाड़ी तक लोग दुआएं मांग रहे हैं। बीकानेर के शिवालयों में समर्थक उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी कर रहे हैं। अब ऐसा कहा जा सकता है कि अब उन दुआओं का असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि डूडी को होश आ गया है।